हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी का कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वीकली सपोर्ट के बारे में जानना है। वीकली सपोर्ट 15,578 मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे भी आज बाजार गया लेकिन तुरंत बाउंस किया, तो इस सपोर्ट को भूलना नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे ये सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसी तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे 900 का लेवल बहुत ही साइकोलॉजिकल एंड लेवल वाइज बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मायने रखता है। और जिस तरीके से निचले लेवल से बाउंड किया ऊपर की तरफ, तो हम फिर से बाई जोन में आ गए हैं। 700 के ऊपर बाई जोन में है। 740, 770, 830 एंड 900 ये सारे लेवल रेजिस्टेंस के हैं। और 770 के नीचे अगर हैं तो ऑलरेडी डाउन साइड में भी, मीन्स कि 40% डाउन साइड में है, 60% अप साइड में। क्या करना चाहिए? 578, 590 एक मेजर सपोर्ट है, उसको यूज करके ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। डेली ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के माइंड में रखते हुए पोजिशनल ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड करेंगे सपोर्ट पे। और ये मार्केट डेली बेसिस वाला हो चुका है, ये हमने बहुत बार के वीडियो में शेयर कर चुके हैं। इंट्राडे सपोर्ट अगर मैं बात करूं कल के लिए इम्पोर्टेंट, तो 15,660 जब तक है, होल्ड करता है, नहीं टूटता है, तो अप मोमेंटम रहेगा। अप मोमेंटम में अपसाइड रेजिस्टेंस जो है 15,760 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसका टारगेट 15,880 तक के हो सकते हैं। 15,870, 15,840 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। जिन लोगों ने निचले लेवल पे बाई किया है 15,660 को स्टॉप लॉस मान करके ऊपर 15,760 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस आपका 15,740 का होना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए 15,700 साइकोलॉजिकल, 15,700, 15,720 के ऊपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान करके इसको रैली को पार्टिसिपेट कर सकते हैं 15,880। लेकिन डेली बेसिस पे इंट्राडे सपोर्ट 15,550 टूट जाता है तो फिर से आज वाला ही पोजीशन हो जाएगा। तो 15,550 नहीं टूटना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट वीकली बेसिस पे ब्रेकडाउन हो चुका है। 15,730 के नीचे क्लोजिंग एक दिन हुआ है, इसको हम नहीं मानेंगे कि ये ब्रेकडाउन है। कल भी इसके नीचे बंद हो जाता है तो ये क्लियर कट डाउन साइड का मूवमेंट है। वैसे भी हमने वीडियो में अपडेट किया हुआ था किस तरीके का मूवमेंट रहेगा, प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे आपको मिल जाएगा। सेकेंड आवर्ली चार्ट पे ये देखिए, बोलिंगर बैंड का एक बैंड है 15,752, 15,751 एक मेजर, और मैगडी का ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन। ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ था ऊपर के लेवल पे, जो गैप अप खुला था वहीं से आज गिरावट हुआ है, कल से गिर रहा है, ये कल से ऊपरी लेवल से फॉल कर रहा है। ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ था और फिर से ये ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रही है। लेकिन सस्टेन बॉलिंगर बैंड के मिडिल बैंड के ऊपर बैंड होता है तो ये, लेकिन वैसे कर्व हो गया है तो ये कर्व होकर के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 880 के आसपास आ जाएगा। 880 एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। तो ये बॉलिंगर बैंड का आवर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, इसको RSI में देखेंगे। एक RSI डाइवर्जन का भी सिम्टम दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं तेजी कर सकता है और ये ट्रेंड क्लियर हो जाएगा मंडे को किस दिशा में जा रहा है। ओवरऑल हम बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ओनली फॉर इंट्राडे के लिए, जैसे कि आज लोअर लेवल से हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा। स्टॉक स्पेसिफिक हम सेल साइड में हैं, पिछले दो हफ्ते से स्टॉक स्पेसिफिक सेल कर रहे हैं और उन स्टॉकों में अच्छा खासा रेंज में ही है लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल ये हमारा वीकली, डेली एंड चार्ट एनालिसिस के माध्यम से हमने निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल स्पेशल वीकली एक्सपायरी भी है तो कहीं ना कहीं 800 के आसपास, 800 के आसपास और 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेगा, मीन्स ऊपर जाकर के फिर से 800, अगर 800 के ऊपर चला गया तो फिर से 800 के आसपास निफ्टी एक्सपायर हो सकता है, और नीचे गया तो ये 600 के आसपास एक्सपायर करेगा। या मीन्स कि 700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि 700 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग देखा जा रहा है तो 700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर टूट गया तो 700 के पुट राइटर कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिखेंगे। तो एक्सपायरी कहीं ना कहीं
800 पे या 600 पे होगा, और उसके लिए 660 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रोल प्ले करेगा कल के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। डिस्क्लेमर याद रखिए, ये एजुकेशनल लर्निंग वीडियो है, कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।